अभी जो मेन हमारी गुजरात की शेरनी जिन्होंने पूरा गुजरात उठाया हुआ है, मिलना चाहोगे आप सब? फूलों की महक हवाना रुखती फैलाई छे, परंतु एक सारी सोच अने कड़ी मेहनत करवा वाला व्यक्ति ना गुणगान दर हरेक बाजू थाई छे। क्या जबरदस्त लिखा है, लिखा है। देखो थोड़ा तो मेरे को भी समझ आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको हम बुलाने वाले हैं ना, बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोग पहली बार देखेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस नारी शक्ति को हम बुलाने वाले हैं, वो इंडिया की 3 साल में जिनके पास अभी खिताब है, अभी भी 3 साल में वो गोल्ड लॉयन रैंक पे पहुंची है। आप सोचिए, मतलब कोई जेंट्स नहीं है, कोई मेल कोई फीमेल अभी तक 3 साल में गोल्ड लॉयन नहीं बन पाया है। उन्होंने गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हम जोरदार तालियों के बीच में रुकिए, देखो अभी बुलाने वाले। तो मैं चाहूंगा बुलाने से पहले कि सबसे पहले मैं चाहूंगा नैना शियानी जी, नैना रखोलिया जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऑल एट स्टार प्लीज कम ऑन द स्टेज, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया, क्योंकि साथ मिलके हम वेलकम करेंगे। और आप सभी से सिर्फ एक ही चीज मैं चाहूंगा, सीटियां तालियां और दुआएं, ये देनी है और कुछ नहीं। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर उस नारी शक्ति का हम वेलकम करें जिनका नाम है प्रवीणा। कर सकते हैं।
लेकिन एक बात है गुजरात थैंक यू सो मच शादी हुई मित्रों के दूल्हे भी बहुत अच्छे लग रहे थे जबरदस्त बहुत सपोर्ट रहा हार्टली थैंक यू हर कोई एंजॉय कर रहे और हर कोई का खुद का इन्वॉल्वमेंट है तो थैंक यू सो मच एंड हार्टली थैंक यू पाल सर ये मेरे गॉडफादर गुरु कुछ भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि पहले ऐसी कहावत है कि भगवान सब जगह पर नहीं पहुँचते हैं ना तो माँ बनाते हैं माँ को बना देते हैं कि सारा वो निपटा लेगी भगवान को भी पता है वैसे ही हमारे टियांस में एक माँ का दर्जा मैं पाल सर को दे सकती हूँ इसके लिए प्लीज बिग क्लैपिंग होना चाहिए सर एक बार आप आगे भी आ जाओ क्योंकि मैं भी चरण स्पर्श करूँगी और सब कुछ जो भी हुआ करते ही हुआ है जब भी जरूरत थी तब तो थैंक यू सो मच थैंक यू सर क्योंकि बहुत वैल्यूएबल मतलब डायरेक्टर है वो उसके पास बहुत कुछ टाइम मतलब क्राइसिस होता है टाइम का फिर भी इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के वो सिर्फ एक फोन से आ गए तो सच में हार्डली थैंक यू सर जब मुझे जरूरत थी तब आए क्योंकि मैंने फील्ड में होते हुए एक फोन किया सर को क्योंकि मेरी टीम को मीटिंग चाहिए सर कैसे भी सिर्फ मीटिंग चाहिए ऐसा ही बोला सर ने डायरेक्ट ऑनलाइन सर्च किया वहां घर पे मतलब ऑफिस में बैठ के और 2-3 घंटे में डिसाइड भी कर लिया कि हमें TSS करना है तो रियली और उसके लिए हमारी क्रेडिट सब टीम के लिए भी जाती है और खास करके हमारे चीफ गेस्ट
हिमाचल टीम का जो गर्मी है, क्योंकि हम जूम में डेढ़ साल से देख रहे हैं कि हिमाचल टीम इतना ग्रो कर रही है कि हर एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। क्योंकि सर ने बोला था दो तीन महीने में ही 75 सिक्सटार बनना एक इम्पॉसिबल जैसा लगता है, पर वो बिकॉज ऑफ सिस्टम, ओनली सिस्टम फॉलो करके इतना अचीवमेंट किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि वो टाइम में जब हर घर में लोग रो रहे थे, कोई हेल्थ क्राइसिस को लेके, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके और कोई मेंटली स्ट्रेस थे, तब हमारा काम इतना बूम हुआ, तब प्राउड हुआ कि सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला। ये सब आंसू इसलिए था कि बहुत सारी स्ट्रगल थी, पता भी नहीं था कि इतने सपने कभी पूरे होंगे, इतने लाइफ में इतने बिजी हो गए कि इधर उधर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और कोई रिलेटिव्स भी कंप्लेन कर रहे कि कहाँ हो कहाँ हो। पर मैं इतनी इन्वॉल्व इसमें हो गई क्योंकि मुझे खुद का जुनून था। मैंने टीएंस का जो हेडक्वार्टर देखा ना, तब से मुझे अंदर से एक स्पार्क हुआ कि इसमें मेरी लाइफ बनेगी और ये रियल में बनेगी। वरना एमबीए किया है, अच्छा जॉब कर रही थी, पर मुझे पता है कि वो हमारी डोर किसी और के हाथ में हम सौंप देते हैं लाइफ की पूरी, क्योंकि वो तो गुलामी है। एक नहीं 2 लाख रुपीस भी देंगे ना तो वो गुलामी है, आपको उनके हिसाब से हमारी लाइफ कटानी काटनी है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर भी छोटे बच्चे को ये थोड़ा स्ट्रगल करते करते भी जॉब कर रही थी, पर तब हमें टीएंस मिला। टीएंस का प्रोडक्ट यूज करके हर कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, पर एक हमारा एरीज नाम का डॉक्टर जो टीएंस का एक जड़ी बूटी है, उसने मुझे जिंदा कर दी। गायनेक इश्यू था तो ये नैपकिन यूज करके कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, और अगर एरीज छोटा सा एरीज से ठीक कर पाए तो ये सच में मेरे लिए बहुत अजीब था। कुछ भी सोचा नहीं, डायरेक्ट जॉब स्किप कर दी और टीएंस में काम करने लगी। छोटे बच्चे के साथ काम कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कुछ भी नहीं, अंदर का जुनून था कि ये प्रोडक्ट हर घर में जानी चाहिए। और प्रोडक्ट क्या है पता नहीं था, ओनली नैपकिन नैपकिन नैपकिन। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये चीज रहने वाली है, क्योंकि इसमें मंदी नहीं आएगी। ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसके बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आप डायमंड ज्वेलरी का भी बिजनेस करोगे ना, इतना बिजनेस नहीं होगा जितना आप नैपकिन में करोगे। करोड़ों का कारोबार आप इसमें कर सकते हो, जो चाहो। पर क्यों नैपकिन तो बहुत सारे मार्केट में कंपनियों में मिलता है, पर हमारा क्यों यूनिक है, क्योंकि पेटेंटेड है और कोई इसकी कॉपी कर नहीं सका। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जाएंगे वहां राजा है। उनको ले लेके डेमोस्ट्रेशन किया, सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा छोटे बच्चे को लेके वो सोया होता था, कोई प्लान के लिए बोला देते थे तो उनको सहला के बोला के उनको उठा के मैं प्लान के लिए जाती थी। तब मेरे पास एक्सक्यूज था, मैं लोगों को बता सकती हूँ कि मेरा बच्चा सो रहा है, 1 घंटे के बाद भी मैं आ सकती हूँ, पर नहीं, क्योंकि मुझे इसमें पता चल रहा था कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स देख रही थी ओनली, और कुछ नहीं। मित्तू को पूछो, मेरे हस्बैंड को, 1 साल तक मैंने बैंक में नहीं देखा था कि टीएंस से मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं। अभी तक 3-3 लाख आ रहा है, मैं कभी भी वी शेयर में डॉलर मेरा नहीं देखती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बारिश की तरह आने लगा है, उसमें क्या देखना। अब तो लोगों के मुंह में स्माइल देखनी है, पैसा नहीं देखना है, क्योंकि स्माइल से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस कहाँ तक जा सकता है। इसलिए हार्टली वेलकम, और सॉरी, और खास करके सबमिशन में रहो, जूम मीटिंग से हमारा सब कुछ हो जाएगा घर पे बैठ के। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आया है, सब कुछ अभी मिल रहा है, तो खास करके थैंक यू माय टीम। और सबमिशन लेना है, सिस्टम फॉलो करना है, और बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लीडर्स को सुनना भी है, और भी मौका है हमारे पास कल, पर आज हार्डली थैंक यू टू ऑल कि मुझे इतना सपोर्ट मिला,
और डे बाय डे हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, हमारे गेस्ट सबको मिलाएंगे, मतलब बुलाएंगे, और मेरी एंटायर टीम को हार्टली थैंक यू सो मच। मेरी मैजिकल वर्ड्स लास्ट में ये रहेगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेट अ सेकंड। और मैं चाहूंगा, देखो इतना जबरदस्त शेरनी जो है ना, उनकी आवाज सुनी तो कहते हैं ना कि कहते हैं हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैंने तो ये सुना है, बट गुजरात में मेरे को लग रहा है उल्टा हो चुका है। तो मैं चाहूंगा हम इनके बेटर हाफ को बुलाएं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मुकेश भुगाना जी का, प्लीज का बोला तेज, और मैं चाहूंगा कुछ वर्ड को भी बिल्कुल मेरे से। थैंक यू सर, तालियां बजनी चाहिए। गुड मॉर्निंग टियांस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा टियांस का, उसके बाद आईडेंटिटी सिस्टम का, उसके बाद पाल सर का, और योगराज सर, शेखर सर, और अपलाइन एंड डाउनलाइन। मैं बोल तो क्या बोलूं, मैं बोलूं तो क्या बोलूं कि मैं जो भी आज कुछ हूं, मुझे बनाया है, मैं बना नहीं, भी मेरी पहचान है, लोग आज मुझे पहचानते हैं, वो प्रवीणा जैया पूर्वक का हस्बैंड पहचान मुझे मिली है। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि मेरा भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें हमने हम लोगों ने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और जब टियांस 3.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया तो इसने मुझे बोला मुझे 12,000 रुपया चाहिए। मेरा बिजनेस था 1.5 करोड़ का टर्नओवर, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, तो 12,000 मुझे निकालना था ना, तो मुझे थोड़ा टफ लगा, मैंने दिया 12,000। 3.5 साल के बाद उसने वो 12,000 इन्वेस्ट तो नहीं किया, मैंने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया, फिर भी हाथ में कुछ नहीं, 3 साल के बाद आज लाखों रुपया हो मुझे, उसे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जरा भी पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के वो सब ड्रॉ करती है, लिखती है क्या क्या मुझे करना है, तो मैं बोलता हूँ क्या मुझे, वो बोलती है कि मुझे लोगों जो लोग हैं लोगों को घर में पैसा आना चाहिए, लोगों के घर में सुख शांति आनी चाहिए, मुझे वो करना है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस हमारा है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, उससे भी ज्यादा 13,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ प्रोडक्ट ही लिए, फिर भी आज मुझसे जो लोग जो भी टियांस में है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तो यही बोलता हूँ कि टियांस से जो जुड़ा है वो भाग्यशाली है, तो जो लेडीज यहाँ पे मौजूद है वो लेडीज भी भाग्यशाली है, उसका हस्बैंड अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि इन लेडीजों को यहाँ आने का मौका दिया। वो देश भी भाग्यशाली है क्योंकि उन सब की किसी के वाइफ बहन जो भी है यहाँ पे मौजूद है, तो टियांस के थ्रू उसका भी भला होगा। वो दूसरी बात, टियांस पैसा देने के लिए रेडी है, आप में क्षमता कितनी है, आपको आपकी क्षमता प्रूव करनी है, और कुछ नहीं है, टियांस देने को बैठी है, कितना चाहिए ताकत है, जितना चाहिए उतना ले जा, हम हमें बैंक अकाउंट में आए उतना ही निकलेगा, इसमें काबिलियत है उतना निकलेगा, निकाल। आज मुझे ये रोना आया, इसलिए आया, कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे
अगर ट्रेन होती है ना तो जाती थी। सुपर सुपर बहुत बढ़िया। पियांस में मैंने मेरे खुद के बिजनेस में जितनी मेहनत नहीं की है उससे ज्यादा इसने की है। इसमें सपोर्ट नीतू का बहुत है क्योंकि उसके बिना मैं कभी नहीं कर सकती, इसलिए मैं बोलती हूँ कि फैमिली बिजनेस बनाओ और एक के हस्बैंड को लेके आओ तो उनको भी फील होगा कि हमारी वाइफ में या तो हमारी आप पार्टनर में कितना दम है, तो वो पता चलेगा। इसलिए इसको फैमिली बिजनेस बनाओ। और ज़्यादा इमोशनल आज इसलिए बन गए क्योंकि खुशी के भी आंसू है और स्ट्रगल याद आया। बहुत स्ट्रगल है। कोई बोलते हैं कि स्टार्टिंग में मुझे इतने पैसे आने चाहिए, इतना होना चाहिए। नहीं, आपने किया क्या है वो बताओ। जो आप करोगे तो आपको मिलेगा, खेत में भी उगाओगे तो ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो हर एक का वाई क्लियर होना चाहिए। मुझे तो जुनून था, मुझे पता था इसमें पैसे। हमारे यहाँ गुजरात तो चलता था, दोनों के पास MBA की डिग्री थी, हम कहीं पे भी जाके रोजी रोटी कर सकते थे, कमा सकते थे। इतना बैकग्राउंड हमारा स्ट्रांग नहीं है, पर हमारे दम, हमारे ताकत तो थी कि हम कहीं से भी कमा लेते। पर एक थैंक यू गॉड का कि टाइम पे, जो टाइम पे मुझे चाहिए था वो टाइम पे मुझे बिजनेस मिला। और टियांस का बिजनेस, अगर कोई मुझे बोले कि गवर्नमेंट जॉब का 2 लाख का आपको सैलरी मिलेगा, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। आई एम सॉरी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मुझे इसमें से इतना कुछ मिला है जो सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा सब फुलफिल ड्रीम्स है वो यहाँ से फुलफिल हो गया। कुछ भी हो जाए मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। पर मेरा लाइफ जैसे बना है ना, वैसा मेरी टीम का लाइफ मुझे बनाना है। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा एक स्टेज ऐसा आ गया है कि मंथली मुझे 5 लाख 6 लाख कुछ भी नहीं करूंगी तो भी मिलेगा, वो पक्का है। पर अब मुझे मेरे जैसे हर घर में एक खुशी की स्माइल चाहिए, हर घर में हेल्थ सारू हेल्थ अच्छा चाहिए, वही मेरा अब ड्रीम है। मुझे डायरेक्टर में ऑटोमेटिक बन जाऊंगी, उसमें मेरा एफर्ट्स जो भी किया ना उसे डबल नहीं 4 गुना करूंगी। नीचे वाले लोगों को गोल लायन बनाने में मैं डायरेक्टर ऑटोमेटिक हो जाऊंगी, क्योंकि सर बोले कर भला हो भला का बिजनेस है। स्ट्रगल बहुत है, छोटी एज में पापा को खो दिया, ममा की स्टोरी, ममा का स्ट्रगल देख के इतना इतना वो हो रहा है कि ये कोट कोई भी नहीं पूछ सकता। 4 बहनें एक भैया बहुत छोटी एज में वो चले गए, पर ममा को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया भगवान ने कि 5ों को इतना अच्छा स्टडी दिया, इतने काबिल बना दिए कि जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो ही हमारे भगवान है अभी। तो थैंक यू मम्मा, आई लव यू ऑल, बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। भगवान से यही प्रे करूंगी। और मेरा बच्चा का क्रेडिट मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि रात को भी इतना सपोर्ट किया। ऐसा छोटा बच्चा किसी का नहीं होगा, उसको भी पता है कि मम्मा को कब डिस्टर्ब करना चाहिए कब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे वो छोटे बच्चे ने इतना मुझे साथ दिया। मैं चलती थी ना तो मैं उंगली पकड़ू तो मेरे साथ में चलती तो डेमो में लेट हो जाता, तो मैं आगे आगे और तेज पीछे पीछे। और सूरत का ट्रैफिक इतना डरावना कि सोच भी नहीं सकते, फिर भी मुझे पता था कि ये बच्चे को पता है कैसे चलना है, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा था, एक दिन का नहीं था। तो उसको भी पता है, अभी भी बोल रहा है कि मुझे बड़े होके टियांस ही करना है। और मेरा लाइफ टियांस से सब कुछ मिल गया। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे अप्लाई जिसने मुझे ये टियांस का बिजनेस दिया, उसका मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। तो थैंक यू माय डाउनलाइन, आप ही मेरी मिलकत हो और आप ही मेरे लिए दुनिया हो अभी। क्योंकि मुझे प्राउड होता है कि कोरोना टाइम हर कोई रो रहे थे और हम एंजॉय कर रहे थे। उतने लोगों का दवाखाना का खर्चा सिर्फ कोडिसेप जिंक ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर से हमने कितने लोगों का लाखों का खर्चा बचाया है। तो रियली
अंदर से इतना आता है कि अभी कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं है कि भाई भाई का नहीं रहा, बहन भाई का नहीं, और पैसे के लिए इतना इतना खराब मेंटालिटी में वो चलते हैं, तो अब हमारा बिजनेस से प्राउड होता है कि ये बिजनेस कर भला हो भला का बिजनेस है। तो सच में माइंड ब्लोइंग। और आज का माहौल रियल में, मेरी दूसरी नई शादी हुई है, मैं और मिथु पियास के साथ, पियास के साथ आज हमारा नया शादी हुआ है, और वो शादी मार्वलस होने वाला है। वो लाइफ, वो शादी के बाद की लाइफ अमेजिंग होने वाली है। अभी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक दिन काम किया दो दिन नहीं ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी। एक पत्थर को भी तोड़ने के लिए छोटी बूंद भी काफी है अगर वो लगातार लगातार टॉप 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 अगर पत्थर के ऊपर भी पड़े ना तो ये पत्थर भी फट जाएगा। तो ये चीज हमें लगातार करनी है, लगे रहो टिके रहो। आई ऑलवेज विथ यू, आई लव माई ऑल एंटायर टीम, हार्डली थैंक यू। बाहर से लोग आए उनका पैर चूमूंगी, नमस्ते करूंगी, क्योंकि वो भी ट्रैवलिंग करके आए, थक गए होंगे, पर आई एम सॉरी एक दिन के लिए, पर ये लाइफ चेंजिंग इवेंट था इसलिए जरूरी था। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, अगर पाल सर, योगराज सर, शेखर सर और हमारी एंटायर टीम का साथ रहेगा तो जबरदस्त हम एक के बाद एक गोल लाइन क्रिएट गुजरात से करेंगे। और सच में डायमंड सिटी है सूरत हमारा, और सच में डायमंड हमारा चमकने वाला है। वी ऑल आर डायमंड। तो थैंक यू सो मच, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, आई एम सॉरी, पर थैंक यू और थैंक यू। वाह, उठा सकते हैं तालियां, बजनी चाहिए सभी के लिए। आज इमोशनल कर दिया, बट ये पावर है टीएनएस की। तो थैंक यू सो मच पूर्वा जी एंड मुकेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट।